आप देख सकते हैं मैंने गेम लूप जो है अपना अनइंस्टॉल किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इंस्टॉल भी करना है, कोई प्रॉपर वीडियो बना देते मैं कैसे और किस जगह से डाउनलोड और इंस्टॉल करता हूँ, और कंप्लीट जो सेटिंग होती है इसकी वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपने करना है google.com से आपने ये गेम लूप जो है 32 बिट वाला डाउनलोड करना है। ये 64 बिट है ऊपर वाला, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इतना कोई ख़ास नहीं है, ये लो एंड पीसीज जो होते हैं ना उनके लिए मे भी उनके लिए सही होता है, लेकिन मैं तो ये करूँगा 32 बिट। आप भी यही कर लेना, बहुत अच्छा है ये भी। और ओके डाउनलोड कर लेना आपने इसको, इस ड्राइव में कर लेता हूँ। वैसे SSD में करें तो ज़रा गेम में जो मैचेस होते हैं ना, लोडिंग्स जो होती हैं गेम में वो जल्दी हो जाती हैं, मैचेस तो वो मैच मेकिंग का काम है, लेकिन जो है ना फास्ट हो जाता थोड़ा। तो इसको कर लेता हूँ इधर इंस्टॉल। ओके आपको मैं प्रॉपर सेटिंग बताता हूँ, एक स्टेप है इसमें वो जो है ना गेम ओपन करने से पहले ही करना होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देखना अभी इसके बाद exe। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, एक हिडन सेटिंग होती है इसमें। सिंपली यहाँ से कर लें आप, वो इतना चक्कर ना लगें तो। ओके ओके जी, तो इस लोडिंग को आपने कंप्लीट होने देना, जो सीक्रेट सेटिंग है ना वो इधर आके ही ख़त्म होती है, बस ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाए ना देन आपको मैं बताता हूँ वो जो सीक्रेट सेटिंग है ना वो वाली। ओके सो इधर आ जानी आपकी गेम, आपने इधर क्लोज कर देना सब कुछ जल्दी से और चंगे से, इधर आपने सब कुछ क्लोज कर देना है, इधर से भी क्लोज कर देनी है गेम, हो गई है बस। ठीक है अब आपने टास्क मैनेजर में आना है और जो सीक्रेट सेटिंग है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इधर नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है और भी ज़्यादा नीचे। ओके छोड़िए इधर नहीं है, इधर अगर आपके चाइनीज में कुछ होती हैं इधर एंड पे इधर पीछे चाइनीज में होती है एक फाइल, उसको आपने बंद कर देना है, देन इसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पर आपने गेम मोड ओपन करना है, गेम मोड सेटिंग और ग्राफिक सेटिंग आपने यहाँ पर ब्राउज करना है, और आपने जहाँ इंस्टॉल किया हुआ ना एमुलेटर वो क्या आप ऐसे करें, इधर से इसकी आइकॉन जो होती है ना इधर से ओपन फाइल लोकेशन कर लें, और फिर आपने TS गेम आना है, GUI में आना है, ये वाले जो चारों है ना आपने इधर ऐड करनी है। ये तो सिंपल है आपको सबने बताए होंगे, लेकिन एक और सेटिंग भी है सीक्रेट। ओके ओके ये चारों जो है ना आपने ऐड कर लेने हैं और इनको आपने हाई परफॉर्मेंस कर लेने हैं, चाहे आपका पीसी अच्छा है चाहे मीडियम है चाहे लो एंड है, लेकिन आपने ये स्टेप लाजमी करना है। और ये करने के बाद आपने NVIDIA कंट्रोल पैनल्स में जाना है, प्रोग्राम सेटिंग में आना है और यहाँ पर अब आपने ऐड करना है, एक सेकेंड ये नीचे वाला गेम लूप जो है ना नीचे वाला करना है आपने, नीचे कोई भी हो आपने करना नीचे वाला ही है। ओके तो एक और था यहाँ पर, ये गेम लूप डाउनलोड है, ये जो है ना 10 सेंट गेम लोड, और ये नहीं ये गेम लूप है, इसको आपने ऐड करना है यहाँ पर
और इमेज के इधर आपने सेटिंग के कॉपी करनी है। वर्टिकल सिंक जो है ना, आपने इधर चाहे आपका 144 का मोनीटर है ना, जो हर्ज होते हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर आपका 60 से प्लस है आपका मोनीटर हर्ज में तो इधर ऑफ ऑन रख लें, तो लेकिन फिर भी लेटेंसी जो होते हैं वो आ ही जाती है। अब इसको आपने हमेशा ऑफ रखना है और कम से कम लेटेंसी लेने के लिए, और इसको ऑन कर देना आपने एंड अप्लाई कर देनी है ये वाली सेटिंग। ओके सो नाउ ओके इधर एक सेटिंग भूल गया, इसको आपने अपनी मर्जी से रखना है, एंटी अलाइजिंग जो है ना, एंटी अलाइजिंग इसको मे भी कहते हैं, मैं इसको फ़िलहाल ऑफ रखूँगा, बाद में कर लूँगा जब दिल किया तो। इसको आपने अप्लाई कर देना, फिर बंद कर देना, और देन आपने क्या करना है, गेम लूप ओपन करना है आपने। ओके नो सॉरी आई एम सो सॉरी, देन आपने गेम लूप में ओपन फाइल लोकेशन करना है, TX गेम्स असिस्टेंट में आ जाना है और UI में, और यहाँ पर शेडर कैसे होंगे, इधर फिलहाल तो कोई नहीं है, जब आप ऑन कर लेंगे ना गेम इंस्टॉल कर लेंगे और जो रिसोर्सेज डाउनलोड कर लेंगे, जैसे जैसे आप रिसोर्सेज डाउनलोड करेंगे और जैसे जैसे आप खेलेंगे वैसे वैसे ये जो है ना शेडर कैशे भी बढ़ते जाएंगे, और इनको आपने डिलीट करते रहना डेली, जब आप सुबह गेम ओपन करो ना या शाम को जब भी, तो आपने ये डिलीट करके गेम ओपन करनी है, और इससे भी ना स्मूथ होती है गेम। और अब आपने गेम लूप ओपन कर लेना अपना, बेसिक में आपने जो जस्ट इसको रखना है टिक पे, और मैं तो फिलहाल ओपन जीएल पे खेलूँगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आपका GPU और CPU थोड़ा सा भी कम है ना, प्रोसेसर आपका GPU से, फिर भी आप डायरेक्ट टेक्स पे रखा गए, ओपन जीएल पे ज़्यादा ग्राफिक्स आते हैं गेम पे, तो लोड प्रोसेसर का पड़ता ही है गेम में, एमुलेटर में जो है ना खास तौर पे ये प्रोसेसर की गेम है मेन, तो मेरा तो मतलब ठीक ठाक चल जाती है, लेकिन फिर भी जब अगर आपके पास 1660 है या और i5 7 जनरेशन है, फिर भी आपने डायरेक्ट एक्स पे ही रखना है क्योंकि इस पे ठीक रहता है, और मेमोरी आपने जितनी मैक्स रख लो अपने हिसाब से। इधर आपने रेजोल्यूशन जो सिलेक्ट करनी है ना वो कस्टमाइज कर लेना, अगर आपका जो है ना बिल्कुल ही लो एंड PC है, मतलब नो GPU, अगर आपने किसी ओके सोके तरीके से कर ही लिए इंस्टॉल ना गेम, तो आपने 12 से 720 पे रखनी है गेम अपनी, फिर भी क्योंकि इस पे आपका जो ना 1024 पे इतना कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों रेजोल्यूशन में, तो मैं इस वक्त यहाँ रखूँगा 1728, इसकी मैंने सेंसिटिविटी सेट करनी है आज, और ऑडियो चैनल जो है ना आपने इधर डायरेक्ट साउंड करना है, तो इससे ज़रा
साउंड है ना गेम का इनहांस हो जाता है, मतलब लेटेंसी कम हो जाती है। आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही डिले नहीं होता गेम में ना, ऐसे फिर साउंड का डिले, नहीं तो आपकी इधर साउंड का डिले होगा अगर वी अबाउट पे रखोगे ना, तो ऐसे जो है ना आपका साउंड का डिले नहीं आएगा। मॉडल आपने कभी भी नहीं छेड़ना, जो मर्जी बंदा कहता रहे, आसूस कर लो, गूगल पिक्सल कर लो, आपने यही रखना। और गेम में आना है 2K HD 90। ये आप इसका ना वैसे जिनका लो एंड पीसी है वो रखते हैं 720p पे, लेकिन फिर भी जो है ना वो भी 1080p पे ही रखते हैं, तो आप भी 1080p पे ही रख लेना। और ये जो है ना ग्राफिक्स क्वालिटी आपने स्मूथ कभी भी नहीं करनी, ऑटोमेटिक करनी है, बैलेंस करनी है या HD करनी है। स्मूथ पे एक तो ऑडियो भी ख़राब सी आती है और गेम का भी ना इतना फास्ट फर्क नहीं आता। आपने इधर ऑटोमेटिक या बैलेंस या HD, तो अकाउंट इसको आपने फिर इधर सेव कर देना है और स्टार्ट कर लेनी है। इंशाल्लाह आपकी जो गेम है ना बहुत अच्छी चलेगी। मेरा वैसे एक्सपीरियंस है 1 ईयर और 2 ईयर में भी एक्सपीरियंस है, मैं तो वैसे ही करता आ रहा हूँ, लाइक बहुत अच्छी गेम चलती आ रही है। अल्लाह हाफिज़ का।